हेलो एवरीवन, माय नेम इज गणेश दास एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल गणेश फिजिक्स। जो थ्री पिले हमें डायमेंशन कंटिन्यू पढ़ुले है बहुत दिन है क्लास करनु पिले बिकॉज़ ड्यू टू सम प्रॉब्लम, बट आज हमें कंटिन्यूस पढ़ा है एज फार एज पॉसिबल है। बट गत क्लास में कौन कही राउंड ऑफ फिगर्स किसी इंट्रोडक्शन देती ता सहित किसी प्रॉब्लम्स भी तुमको डिस्कशन करी आछ टास्क भी देती है। आज लेक्चर हमें कौन पढ़ा प्रीवियस क्लास टास्क रो सॉल्यूशन आउ टेलीग्राम ग्रुप रे जो डीपीपी क्वेश्चन जो तुम दौर पे तार सॉल्यूशन आम पढ़ा है। डीपीपी वन डीपीपी टू दुटा तुम सीरीज क्वेश्चन देती तार आज डिटेल एनालिसिस करिबा है। लेट्स सी कौन होमें डीपीपी वन रो सॉल्यूशन मोस्ट प्रोबेबल आज लेक्चर में पढ़ा है। आउ थे कहीदे पे जो मैंने मो चैनल को सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब करदेव एंड प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट माय वीडियो है। तुम से मत हेल्प कले पे मुझे बढ़ी पारि आउ नुआ नुआ वीडियो तुम्हें बनई पारि है। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक है। तो लेट्स बिगिन। तो पे आम देखा गत क्लास होमवर्क कौन थी ला? तो गत क्लास मोर राउंड ऑफ फिगर्स किसी इंट्रोडक्शन देती है तार होमवर्क डिस्कशन करवा। बहुत पिला मत कमेंट कर तार सॉल्यूशन भी मत व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप रे बी क्यूरियस तुम मेसेज कर थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। कैत जन तुम आंसर जाने आते पिला को डाउट भी थी है। तो तार सॉल्यूशन आज मुझे बतेबी जहाँफर कि समस्त डाउटा क्लियर हो। एंड आउ थे कहीदे पे जो मैंने मो टेलीग्राम ग्रुप जॉइन है बी क्यूरियस ग्रुप तुम डिस्प्ले होबे बी क्यूरियस ग्रुप जल्दी जॉइन हो जॉइन हो तुम फायदा कौन हम डेली तुमको डेली प्राक्टिस प्रॉब्लम मिल तार सॉल्यूशन भी दु तीन दिन पर तुमको डेली प्रोवाइड कराव है ठीक अच्छे। तो देखा राउंड ऑफ फिगर्स सॉल्यूशन जी क्वेश्चन देती मुझे टू पॉइंट फाइव टू जीरो जी क्वेश्चन तुमको देती पे अप टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स राउंड ऑफ पाई तुमको कही रईट देख टू पॉइंट फाइव टू जीरो केमती कर वन टू थ्री है। तो टू पर जीरो अच्छी ना जीरोटा कौन लेस देन फाइव मीन्स कौन आज इट इज रुझा पड़ा ना। जो मैंने ये वीडियो राइट ना तुम देखु जोटा कि तुम बर्तमान प्रीमियर हो रईट एटा प्रीमियर होमको है। जो मैंने वीडियो भी देखु कि बुझा पड़नी आई एम रिक्वेस्टिंग स्किप कर वीडियो है कहीं तुम प्रीवियस वीडियो देखले ही ए वीडियो तुम पे बुझा पड़ो है। तो काइंडली गो टू यूट्यूब है टाइप गणेश फिजिक्स राउंड ऑफ फिगर्स तुम से वीडियोटा पाइव एंड तापर तुम यहाँ देखले आहरी तुमको कौन कन्फिडेन्स आसा बुझा पड़ो ठीक अच्छे। यस प्रॉब्लम जीवा तो टू पॉइंट फाइव टू जीरो अप टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर तुमको राउंड अप कर। तो वन टू थ्री रूल कौन कौन तापर जो जीरो थी प्रिसीडिंग डिजिटा लेस देन फाइव मीन्स आज इट इज रही है। तो टू पॉइंट फाइव टू फाइव पॉइंट थ्री सिक्स जीरो कौन हम वन टू थ्री जीरो अच्छी सेम फाइव पॉइंट थ्री सिक्स तुम बुझा पड़ा कहीं होगा कन्फ्यूज हेनी गत वीडियो देखले ही तुमको बुझा पड़ो आई एम रिक्वेस्टिंग यू है। तो वन टू थ्री हम प्रिसीडिंग डिजिट जीरो अच्छी जीरो जेहतु लेस देन फाइव एटा आज इट इज रही है। यहाँ हूँ राउंड ऑफ फिगर्स रूल होल वर्ल्ड रे सबुठी सेम रूल इंडिया रे जा जापान रे जा ऑस्ट्रेलिया रे था स्वीडन रे था चाइना रे भी था का पाकिस्तान रे भी था का है ठीक अच्छे। तो फोर पॉइंट सिक्स फोर फाइव कौन एटा वन टू थ्री देख फोर पॉइंट सिक्स फाइव तापर डिजिट कौन फाइव ना जिते पाँच आसमें कौन चेक करवा इभेन ना इभेन थे आज इट इज अड थे प्लस वन तो आर प्रिसीडेंट डिजिट फोर अच्छी ना फोर टा कौन इभेन इभेन मान कौन आज इट इज तो कत फोर पॉइंट सिक्स फोर होप तुमको बुझा पड़ थोड़ा प्रीवियस वीडियो देखले ही ए वीडियो तुमको मीनिंग हम देन ट्वेंटी टू पॉइंट सेवेन एट वन टू थ्री देख है नेक्स्ट डिजिट के आठ अच्छी ना आठटा ग्रेटर देन फाइव आठटा ग्रेटर देन फाइव मीन ये तुम एक एड कर तो कत हम ट्वेंटी टू पॉइंट एट सिंपल है। तुम्हें जो रूल भी अप्लाई कर ले भी हम का बट आंसर आस ट्वेंटी टू पॉइंट एट है। देन थर्टी सिक्स पॉइंट थ्री फाइव वन टू थ्री एटा पाँच अच्छे ना पाँच अच्छे मैंने तार प्रिसीडिंग डिजिट के
माने ता प्रीवियस डिजिट 3 ना 3 इज ए ऑड नंबर ऑड थिले एक ऑड हबो हम जानचे यदि ऑड अछि माने प्लस 1 हबो आ इवन अछि माने हला नो चेंज तो कते बडा 36.4 आंसर हला तो एडा थला डेसिमल ऊपर आ किछु होमवर्क देथली मु तुम कोन होल नंबर ऊपर सेटा भी इंपोर्टेंट एग्जाम पे हला तो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर जे हम राउंड अप करछ पिले एग्जाम रे टू सिग्निफिकेंट भी पचारिबो थ्री सिग्निफिकेंट भी पचारिबो हला बहुत पचारि पारे देखिबा 1 2 3 2956 2001 हला तो नेक्स्ट डिजिट केते पिले 6 अछि न जेतु 6 टा ग्रेटर देन 5 एडा कोन हो प्रीसीडिंग डिजिट रे एक ऐड हबो होल नंबर पे कोन रूल जदी 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर राउंड ऑफ हेला प्ले 2 9 5 1 2 3 तार नेक्स्ट डिजिट जेतु 6 राइट 6 देछि 6 टा जेतु ग्रेटर देन 5 प्रीवियस डिजिट रे एको ऐड हबो माने केत हबो 2 9 6 केत बडा केत हो लिख दछु मा थरे 2 9 6 आ बाकी केते 0 लिखिबो 0 0 0 0 0 किन केते 5 0 1 2 3 4 5 कन्फ्यूज हबनी पिले एटा होल नंबर पर रूल आर रूल टाइम एप्लाई करबनी दिस इज फॉर होल नंबर्स हला एटी तुम किसी डेसिमल दोस नथुबो हला तो 2956 2001 6 अछि ना तीनटा डिजिट पर 6 अछि 6 टा ग्रेटर देन 5 ग्रेटर देन 5 हले कोन हबो ग्रेटर देन 5 हले एक ऐड हबो लेस देन 5 हले किछि चेंज हबो ना आ बाकी जति डिजिट होला सेठी सेतरा 0 हबो बा पुट हबो हला तो 2960000 500 हला देन देखो एडा करिबो 1426007 तो केतरा थ्री सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 हला 2 पर केते 6 अछि 6 ग्रेटर देन 5 ना मींस केते 1 ऐड हबो कोथरो 1 ऐड हबो त प्रीवियस डिजिट रे आर प्रीवियस डिजिट केते 2 2 रे एकडल केते 3 तो केते हबो 1 4 3 1 2 3 4 1 2 3 4 हला जत्ते प्रैक्टिस करबो सते परफेक्ट हो हला मु जत्ते बेले तुमको कहू पिले किछ मोटिवेशन सब दे आकु लाइटली नबनी सीरियस नबो फर्स्ट ईयर तमे पढुचो साइंस नेलो लाइफ रे बहुत किछ तमरे एम थिबो ड्रीम थिबो हला तो प्रतिदिन जते टास्क दउती तमे सब करबो जो डीपीपी तुम दउछ तुम निजे सॉल्व करबो कार हेल्प नबनी ठीक अछि ना आउ ए जो प्रॉब्लम अछि ना प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो करो जदि भूल होची गणेश सर इज ऑलवेज फॉर यू ठीक अछि ना देखो 9217 2209 केतरा जें करिया पिले थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स केते 1 2 3 नेक्स्ट केते 7 अछि 7 टा ग्रेटर देन 5 मींस केते एक ऐड हबो कोथरे प्रीवियस डिजिट रे केते हबो 922 देन आ बाकी जति डिजिट होले सब 0 पुट हबो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हला देन देखो पिले 29122 5201 हला केतरा जे राउंड अप करे पडो तीनटा 1 2 3 हला देखो 3 पर केता आछ 2 ना 2 टा लेस देन 5 जे तो लेस देन 5 नो चेंज मींस केते हबो 2 9 1 बाकी 0 केते 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 जतटा संख्या 3 सिग्निफिकेंट ऊपर आसीबो सेतिक जगह रे 0 पुट हबो दैट इज द अल्टीमेट रूल हला एडा देखो एडा बहुत इंटरेस्टिंग केतरा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3 हला तो 3 पर 7 अछि ना 7 ग्रेटर देन 5 7 ग्रेटर देन 5 मींस केते प्लस 1 ऐड हबो जब प्लस 1 ऐड हबो को 3 ऐड हबो त प्रीवियस डिजिट रे 9 रे 9 रे जदी 1 ऐड करे केते हबो 10 त केते बडा 310 हला बाकी कते 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हला हो तुम बुझा पड़थिबो तो एडा थिला राउंड ऑफ फिगर के छमार हला वर्तमान हम सॉल्व करबा डीपीपी 1 रो जो टास्क देथली तार किछि क्वेश्चन रो सॉल्यूशन तो लेट्स डू डीपीपी नंबर सो देखिबा अबे डीपीपी 1 रो सॉल्यूशन राइट तो डीपीपी 1 कते क्वेश्चन देथली हला दीटा सेट क्वेश्चन देथली पिले हला फास्ट कहते जे को मेजरमेंट एक्यूरेट और प्रिसाइज देन पचार थे कि तीन टा फॉर्मूला दे हेतिला हला ए भीतर कोटा करेक्ट डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला यूज करी हला होप तुम गडा बुझा पड़ी थिवो
ହେଲା କେତେ ପିଲା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆନ୍ସର ଦେଇଛ ଆମେ ଏଗ୍ରି ବଟ୍ ମୋଷ୍ଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ଏଇ ତିନିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ହେଲା ଆଉ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ବି ହେଲା ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ୱିଚ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ମୋର୍ ପ୍ରିସାଇଜ୍ ହେଲା କେତେଟା ମେଜରମେଣ୍ଟ ତୁମେ ଦିଆଯାଇଛି ଏ ଭିତରେ କେଉଁଟା ଅଧିକ ପ୍ରିସାଇଜ୍ ସେଇଟା ତୁମେ କହିବ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଏଲ୍କୁ ଆମେ ସେମିରେ ନେବା ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଫାଇଭ ସେମି 5.00 ସେମି 5.000 5.40 5.00000 ମୋତେ କହିଲେ କେଉଁଟା ସବୁଠୁ ଏକ୍ୟୁରେଟ୍ ହେଲା ମୁଁ ତୁମେ ପଚାରିବି ହେଲା ଗୋଟେ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଦେବି ଫାଇଭ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେବି 5.0 ମୋତେ କୁହ କେଉଁଟା ସବୁଠୁ ଏକ୍ୟୁରେଟ୍ ସିମ୍ପଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 5.0 କେଉଁଟା ଏକ୍ୟୁରେଟ୍ 5.0 ହେବ ନା କାହିଁକି ଏଇଟା 1, 2 ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଫିଗର ଏଇଟା ହେଉଛି 1 ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଫିଗର ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଫିଗର ଯାହାର ଯେତେ ଅଧିକ ହେବ ସେଇଟା ସେତେ ଏକ୍ୟୁରେଟ୍ ହେବ ବୁଝାପଡ଼ିଲା ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମାର୍କର ତୁମେ କହିବ କି ଏଇଟା 5 ସେମି ଆଉ ଜଣେ କହିବ 5.0 ସେମି ଆଉ ଜଣେ କହିବ 5.00 ସେମି ଦେଖିଲ 1ରୁ ଆସିଲା 2ରୁ ଆସିଲା ଦେନ୍ 3 ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଫିଗରକୁ ଗଲା ମିନ୍ସ ଯେତେ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଫିଗର ବଢ଼ିବ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ହେବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆୱାର ଗୋଲ୍ ହେଲା ତ ଦେଖ ଏଲ୍ ଏନ୍ ସେମି ଅଛି ନା ହେଲା ଏଲ୍ ଗୋଟେ 5 ସେମି ଦେଇଛି 5.00 5.30 5.40 5.50 ତମେ ଦେଖିଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଛ ତମେ ଡେସିମାଲ୍ ପରେ ଯେତିକି ଜିରୋ ଆସିବ ସେଇଟା ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଫିଗରରେ କାଉଣ୍ଟ ହେବ ତ କେତେ 1, 2, 3, 4, 5 5+6 ମିନ୍ସ ଟୋଟାଲ୍ ଏଇଟା 6ଟା ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଫିଗର ଆଉ ବାକି ଆଉଠୁ କମ୍ ରାଇଟ୍ ତ ଏଇଟା ହେବ ସବୁଠୁ ପ୍ରିସାଇଜ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ହେଲା ବୁଝା ପଡ଼ିଲା କାହିଁକି 1, 2, 3, 4, 5, 6 ଛଅଟା ଏଇଟା 5ଟା ଆଇ ଥିଙ୍କ 4ଟା 3ଟା ଗୋଟେ ହେଲା ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଫିଗର ଯେତେ ଅଧିକ ହେବ ଏକ୍ୟୁରେଟ୍ ସେତେ ହେବ ତ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ଏଇଟା ଦେଖ 5000 meter 5×10^2 meter 5×10^3 meter ସବୁଠୁ ଏକ୍ୟୁରେଟ୍ କେଉଁଟା ହେବ ତମେ ଜାଣିଛ ଯଦି ଇନ୍ଟୁ ହେଇକି ଯଦି କିଛି ପାୱାର ରହୁଛି 10^2 ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ଅଫ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ କ'ଣ କହୁଛ କମେ ଅର୍ଡ଼ର ଅଫ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ ଏଇଟା ସବୁ ଜାଣିଥିବ ପିଲେ ତମକୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ କହିଛି କହିଛି ନା ନାଇଁ କହିଛି ରାଇଟ୍ ତ ଏଇଟା କାଉଣ୍ଟ ହେବନି ଅର୍ଡ଼ର ଅଫ୍ ତ 5 1 ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଫିଗର 5 1 ବଟ୍ ଏଇଟା ଦେଖ 5000 meter ଦେଇଛି କେତେ 1, 2, 3, 4 ଚାରିଟା ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଫିଗର ମିନ୍ସ ଆର ମେଜରମେଣ୍ଟ ସବୁଠୁ ଏକ୍ୟୁରେଟ୍ ନମ୍ବର 3 ଦେଖ 500.0 ସେମି 0.0005 ସେମି 6.00 ସେମି କେଉଁଟା ସବୁଠୁ ଏକ୍ୟୁରେଟ୍ ହେବ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କେଉଁଟା ହେବ କୁହ ଏଇଟା ହେବ ନା କାହିଁକି 1, 2, 3, 4, 5 ହେଲା ଏଇଟା ହେବ ତ 1, 2, 3, 4, 5 ସବୁଠୁ ଏଇଟା ଏକ୍ୟୁରେଟ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ହେଲା ତ ଏଇଟା ଥିଲା କ'ଣ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଫିଗରର ତୁମକୁ ହୋମୱାର୍କ ଥିଲା ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି କି ଆ ଭିତରେ କେଉଁଟା ସବୁଠୁ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରିସାଇଜ୍ କେଉଁଟା ଆଉ ସବୁଠୁ ଏକ୍ୟୁରେଟ୍ କେଉଁଟା ହେଲା ଏବେ ଦେଖିବା ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ୱାନ୍ କି ଏ ତିନିଟା ଫର୍ମୁଲାଟା ଡାଇମେନ୍ସନାଲି କରପ୍ଟ ନା ନାହିଁ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼ କରିବା ହେଲା ଗୁଡ଼ାଏ ଫର୍ମୁଲା ଆମେ ଦେଖିଲା ଭି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ଏଟି ତୁମେ ଗତି ସମୀକରଣ ନିୟମ ଜାଣିଛ ନା ପିଲେ ପ୍ରଥମ ନିୟମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ତୃତୀୟ ନିୟମ ମନେ ପକେଇ ଦେଉଛି କ'ଣ କହିଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଲା ଭି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ଏଟି ମନେ ପକ ଦେନ୍ ଥିଲା ଭି ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୟୁ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2as ଦେନ୍ ଏସ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୟୁ ଟି ପ୍ଲସ୍ ହାଫ୍ ଏଟି ସ୍କୋୟାର ହେଲା ଦେନ୍ ଏଫ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ଏ ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ନା ତ ସେ ଫର୍ମୁଲାଟା କରପ୍ଟ ନା ନାହିଁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ହୋମୋଜେନିଟି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ସିଟି ହୋମୋଜେନିଟି ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଆଉ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କି ଫର୍ମୁଲାଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ ତ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ବି ଆମେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ହୋମୋଜେନିଟି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଦେନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଆସୁଛି 99 କେସ୍ରେ ଆମେ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ଫର୍ମୁଲା ଆପ୍ଲାଏ କରି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁ ଅର୍ ଫଲ୍ସ ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ୍ ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ଏଇଟା କ'ଣ ତ ଟି ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4πr² ସବୁ ଟି ସ୍କୋୟାର ଦେଇଛି ନା ହେଲା ଆଉ ସବୁଠି ଜି ବି ଅଛି ଜି ବି ଅଛି ଜି ବି ଅଛି ହେଲା ସବୁଠି ଜି ଅଛି ହେଲା ତ ଆଉ କ'ଣ ଡାଟା ଦେଇଛି
जो टी अच्छे ना टी इज कॉल्ड टाइम पीरियड और टाइम जी मीन्स कौन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हला एम मास आर रेडियस एति डाटा दीजिए तुमको तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिबा हला टी स्क्वायर टी डायमेंशन केते टी का टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर तो डायमेंशन नाही आर स्क्वायर केते एल स्क्वायर लगाते एम 0 एल 2 टी 0 मींस आर टी स्क्वायर टा ए टी स्क्वायर मिलछि कि तुमको RHS सॉरी LHS रे साइड रे T स्क्वायर अछि R वैल्यू भी T स्क्वायर दरकार हेले ही फार्मूलाटा डायमेंशनली करेक्ट राइट आई थिंक यू गेटिंग माय पॉइंट हला तो L स्क्वायर से ना छि T स्क्वायर दरकार T स्क्वायर ने मींस ए फार्मूलाटा भूल बुझा पड़ला देन आउसर कह दउ छि T स्क्वायर इक्वल 4 पाई स्क्वायर R स्क्वायर तो T स्क्वायर डायमेंशन T स्क्वायर हला आर स्क्वायर केते एल स्क्वायर आर डायमेंशन केते रेडियस को कोथर मा बुझे लेंथ रे तो एटा एल स्क्वायर हला बट मोर दरकार टी स्क्वायर दैट्स व्हाई टी स्क्वायर नॉट इज इक्वल टू एल स्क्वायर माने ए फार्मूलाटा होची भूल हला देन नंबर 2 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यू बाय जी हला ए प्रॉब्लम करबा बट आ कोन कहि पिले लाइव क्लास कोलाड़ ना बहुत प्रॉब्लम हुए दस बजे तुम पे मु यूट्यूब रे छाड़ू वीडियो हला आ लॉन्ग टाइम जेतर मु वीडियो बनाए ना मते भी बहुत पसीना पड़ासले दस बजे टिके ब्रेक नेली हला ठीक अछि तो असली करिबा तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यू बाय जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यू बाय जी एटा ठीक ना नै सर देखिबा तो RHS साइड कौन दे छी सर T स्क्वायर डायमेंशन केते T सिंपल टाइम पीरियड ऑफ T स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर डायमेंशन नहीं R क्यू रे केते सर L क्यू वेरी गुड G जीरो डायमेंशन केते पूरा नाली काली रे लिखाई छी केते G इज इक्वल टू M माइनस 1 L 3 T माइनस 2 एटा केन दिला सर एटा मु बतेथली न्यूटन्स ला रास्ता लगे ना कहते F इक्वल टू कहते लिख दिस फॉर्मूला F इज इक्वल टू G M1 M2 बाय R स्क्वायर एठु मुझे आनी थी ले मन पड़ला सेठु तमे करबो सेटा हला तो M माइनस 1 L3 T माइनस 2 पके देबो M माइनस 1 L3 T माइनस 2 L3 का 3 कटला तो T स्क्वायर इज इक्वल टू M 1 ऊपर गले T 2 ठीक के रेटा T स्क्वायर इज इक्वल टू T स्क्वायर आसला बट एड M 1 एक्स्ट्रा टर्म रह जाउ छी मींस एटा भूल हला T स्क्वायर मींस RHS से जोडा रहबो LHS से भी सीडा रहबो पड़िबो तो एट M 1 एक्स्ट्रा टर्म हो जाउ छी मींस ए फार्मूला भी भूल राइट एब देखियो नंबर 3 देखियो ठीक ना भूल देखो ए फार्मूला कहार कौन पाई एमती हला तुमको माइंड रे डाउट आसुथबो निश्चय बट तमे किछि जानिबा दरकार नै एटा पिले तमरो चैप्टर अछि ग्रेविटेशन रो चैप्टर अछि माध्याकर्षण हला तो सेहि थरे डिटेल्स पढ़ाबो केमती हला बट टिल नाउ तमे फार्मूला मन रखो आकु अप्लाई करियार सिखो देन आमे एंड रे पढिबा हला ठीक अछि तो टी स्क्वायर कोन सर टाइम टाइम रे डायमेंशन केते सेम टी स्क्वायर वेरी गुड अच्छा 4 पाई स्क्वायर डायमेंशन नै आर क्यू रे कते एल क्यू राइट जी रे कते एम माइनस 1 एल 3 टी माइनस 2 देन एम रे कते एम देखिबा एडा होछि कि नै तो प्लस 1 माइनस 1 कटला एल क्यू कटला तो टी माइनस 2 तळ अछि ऊपर ल कते टी 2 अरे वाह आसी गेला तो RHS रे रहला T स्क्वायर LHS रहला T स्क्वायर मींस ए फार्मूलाटा 100% करेक्ट हला इठरो कोन सिखला जे डायमेंशनल फार्मूला अप्लाई करी आमे फार्मूला गुडा के ठीक न नै आमे जानी परिबा हला होप तुम बुझा पड़थियो आ गुडा जिंस कह दउ छी पिले डायमेंशन एनालिसिस रो गुटे डीमेरिट बधे मु तुम कहिनी कह दउ छी डायमेंशनल एनालिसिस रे कांस्टेंट रो वैल्यूटा आमे आनी परिबा नै हला से वैल्यू गुड़ा एक्सपेरिमेंटली फाइंड करा जाए आम गोटे एग्जांपल करथले हला तो सिंपल पेंडुलम एग्जांपल करथले विस्कोसिटी प्रॉब्लम करथले मन पकाओ
सेकेंड लेक्चर बोधे मुझे कही डायमेनसन आप्लिकेसन डायमेनसन है तो डायमेनसन आनालीस सब डीमेरिट हूँ कन्स्टांट भैल्यू के आमको दिएनि है बाकी आज यूजुआल फर्मुला ठीक ना ये कहीदि है तो यहाँ था डीपीपी वन क्वेश्चन सॉल्यूशन है आउ पे आउ कत क्वेश्चन आम सल्व करवा दे विल एंड अप टुडेस लेक्चर देखा किसी इंटरेस्टिंग जिनस जोटा कि आम प्रोब्लम्स कला बेलू को दरकार पड़ो कौन से जिनसा है तो तुम भावुव कि प्रोब्लम्स करवा वीडियो एंड रे प्रोब्लम्स करवानी पे आउ किसी जिनस जानवा से जिनस कौन जाना पे प्रिफिक्स फॉर पावर्स ऑफ 10 प्रिफिक्स फॉर पावर्स ऑफ 10 एटा कौन तुम देखु कतरा क्वांटिटी आम कन्वर्ट करचे 1 मीटर टू सेमी किलोमीटर टू मीटर मीटर टू सेमी मीन्स कते 1 किलोमीटर इक्वल करते 1000 मीटर 1 मीटर इक्वल करते 100 सेमी तो जो तुम देखो आपको आम 10 रो किछ पावर आम कन्वर्ट कर पार फॉर एग्जांपल मु कहली 1 किलोमीटर इज इक्वल टू केते 1000 मीटर ना और कैन आई से 10^3 मीटर हबो मु कहबी 1 मीटर इक्वल 100 सेमी कैन आई से 10^2 सेमी हबो सही होबनी हला तो ए जो 10 रो पावर तुम देखतो ए 3 अछि 2 अछि हला तो ताकु मु कहली प्रिफिक्स फॉर पावर्स ऑफ 10 तो केतरा क्वांटिटी अछि आमे प्रॉब्लम्स को लाउ छि दे दिए तो ये आम जदि जानवा प्रिफिक्स फॉर पावर्स ऑफ 10 ताले से प्रॉब्लम्स हम कर पारिबा हला तुम किछ बुझा पड़ नथि मु जानछि आस्ते आस्ते बुझिबा हला गणेश सर थाउ थो किछ टेंशन नै हला आई विल ऑलवेज विथ यू बट मो चैनल को सब्सक्राइब आ शेयर आ कमेंट करू हला सब सर कहते ना कि आई हैव टू से प्ले बिकज आई नीड युआर सपोर्ट एंड युआर शेयरिंग हेल्ले ही आई विल ट्राए माइ बेस्ट टू ऑल ऑफ यू हला ठीक अच्छे तो देखा बेले तुम नोटिस कर बही सिलेबस ना बट जानवा कथा पी देख मल्टीपुल प्रिफिक्स सब मल्टीपुल प्रिफिक्स है कौन बुझ मल्टीपुल मीन्स जदि 10^10 देख 1, 2, 3, 6, 9 देना 10^-1 -2 -3 -6 -9 देना यहाँ कौन बुझ जदि से दे 10^1 दैट इज कॉल्ड डेका जदि 10^1 देखिए डेका कहवा जदि 10^2 हेक्टो 10^3 किलो किलोग्राम यूज कर 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर जेहेतु 1000 मीन्स केतरा जीरो तीन टा जीरो दैट्स व्हाई 10^3 बुझा पड़ा आम डेली लाइफ यूज कर ना मीन्स मुझे जी 10^10 जब बढ़ी बढ़ी जाऊँगी तार किसी ना दिखाई हला तो 1 थिले ताको डेका कहिबा सिंपल 2 थिले हेक्टो 3 थिले किलो 6 थिले मेगा हला जदि 10^6 देछि दैट इज कॉल्ड मेगा 10^9 जो दोछि जिगा हला एटा केमति हला कोन पाइ नै डिफाइन हला जस्ट लाइक ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड केमति हला सर दैट इज फिक्स अल्फाबेट्स लेटर्स है टू लर्न इंग्लीश लांगुएज है तो यहाँ मुझे कहीं कह जाना प्रोब्लम्स कल पचार कि 1 किलोग्राम तुम क्या लिख ग्राम 10^3 ग्राम है बुझा पड़ा 10^1 दे मैंने डेका 10^2 हेक्टो 3 किलो 10^6 मेगा 10^9 जिगा है यहाँ वन टेला माइनस वन देख है माइनस वन कह सब मल्टीपुल एटा मल्टीपुल एटा सब मल्टीपुल आउ प्रिफिक्स कौन कह देखा 10^-1 व्हाट इज प्रिफिक्स कह प्री मीन आगे जो लगे देख आम करवा पे है आम प्रोब्लम कलापर एट बुझा पड़े कौन प्रिफिक्स मीन कौन प्री मीन आगे लगे सिंपल 10^-1 दे डेसी 10^-2 सेंटी सेंटीमीटर यूज कर 10^-3 मिली मिलीमीटर भी यूज कर 10^-6 माइक्रो 10^-9 नानो कौन कहली जदि 10^-1 अच्छे डेसी 10^-2 सेंटी 10^-3 मिली 10^-6 माइक्रो 10^-9 नानो हेलो बुझा पड़ा मीन्स जदि खाली 10^10 पॉजिटिव अच्छी दैट इज मल्टीपल
माइनस अच्छी सब मल्टीपल आ बाकी जी ना अच्छे प्रिफिक्स कह प्रिफिक्स मीन आगे जो लगे माइ नेम इज गणेश प्रसाद दास मोर प्रिफिक्स कौटा हे गणेश हम तो आगे अच्छे है ना तो ये क्वांटिटी जो ना अच्छे आगे लगे है बुझा पड़ा यहाँ बाय हार्ट कर किसी दरकार नहीं एग्जाम भी बेस भी आसे नहीं पे बट बाय चांस आसिले तुम एति जस्ट मन रखिले है बहुत गुड़ाए अच्छे बट आम नाइन जाए मन रखा है 1 किलोमीटर देना 1 किलोमीटर इक्वल के मीटर 1000 मीटर मीन्स 10^3 मीटर ना मीन्स किलो मीन्स कौन 10^3 तो 10^3 मीटर मीन्स ए टेबुल यूज कर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पार 1 डेकाग्राम डेकाग्राम डेका कहीं डेका 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 मीन्स कौन 10 ना 10 तो 10 ग्राम सिंपल ए टेबल यूज करके आम एगुड़ लिखिपर 1 सेंटीमीटर हला 1 सेंटीमीटर मीन्स केन्टी के 10^-2 मीन्स 10^-2 कौन सेमी हम कि मीटर हम हम ना जदि 1 मीटर इक्वल 100 सेमी हो तेल 1 सेमी के 10^-2 मीटर किसी डाउट ना ये सिंपल पिले है 1 नैनोसेकेंड है माने सेकेंड रो भी छोट यूनिट को कौचे आम नैनोसेकेंड नानो मीन्स कौटा नानो नानो ये नानो नानो मीन्स 10^-9 मीन्स 1 नैनोसेकेंड इक्वल टू 10^-9 सेकेंड 1 माइक्रोवोल्ट माइक्रो मीन्स के माइक्रो 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 10^-6 तो 10^-6 वोल्ट है मीन्स एगुड़ाक जो आम देखुचे माइक्रो सेंटी नानो डेका ए टेबुल जब तुम जान थे तुमको कौन जल्दी मन पड़ चुके है 1 मिली एम्पीयर मिली मीन्स के मिली 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 किए गोटे झीटा झीने पाप झीने मिली मीन्स कौन गोटे मेजरमेंटा 10^-3 तो 1 मिली एम्पीयर मीन के 10^-3 एम्पीयर एम्पीयर कौन सार एम्पीयर इज द मेजरमेंट अफ कौन करंट इलेक्ट्रिक करंट को आम एम्पीयर मेजर कर तुम पढ़ी थो ठीक अच्छे है यहाँ कहली मुझे प्रिफिक्स कहली है तो यहाँ थी 1, 2, 3, 6, 9 यहाँ माइनस गोटे मल्टीपल सब मल्टीपल आ बाकी जी कल कहते प्रिफिक्स प्रिफिक्स मीन जो आगे लगे है फर एक्जाम्पल कह सलमान खान प्रिफिक्स कौटा सलमान शाहरुख खान प्रिफिक्स कौटा शाहरुख है यहाँ थी एक्जाम्पल है आउ के एक्सट्रा जिनस मुझे कह चाहिए आज लेक्चर में है प्रोब्लम सर पे तुम लॉकडाउन रे आई अंडरस्टैंड कि तुम प्रॉब्लम हो रेगुलर क्लास है रेगुलर क्लास पे जल्दी स्टार्ट हो तो गवर्नमेंट नोटिस कला कि मे बी नवंबर यस नवंबर दसरा छुट्टी पर नवंबर फर्स्ट वीक रु होप सो तुम 90% श्योर तुम रेगुलर क्लासटा स्टार्ट हो रेगुलर क्लास में नवंबर फर्स्ट वीक रु मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होगा हाँ आउ यूट्यूब चैनल तुम्हें मोर तो सब्सक्राइब कर दे जानी है आउ के यूट्यूब चैनल अच्छे पे हिंदी चैनलटा तुम्हें जो टाइम अच्छे तुम देखिपर फर एक्जाम्पल कौटा फिजिक्स वाला समस्त जान थोला देन सचिन सार फिजिक्स एटा भी बहुत बढ़िया चैनल है बट इंडिया सब टॉप चैनल मत भल लगे मुझे फॉलो करे से हूँ कौन श्री आलक पांडे और चैनल अच्छे फिजिक्स वाला तुम यूट्यूब मार देखो है देन सचिन सार फिजिक्स यहाँ भी बहुत मैं फेवरेट मोर देन प्रदीप क्षेत्रीफल ये भी बहुत बढ़िया पढ़ाती है अनफर्चुनेटली से नहांती एवं है जस्ट 2 मंथ्स बिफोर तर डेथ हो गले पहले है बट बहुत बढ़िया पढ़ाती है आ नंबर 4 कार मोर कार गणेश फिजिक्स मुझे पढ़ून कि ये कष्ट पड़ी पढ़ाऊँ है मोर लेक्चर भी देख सब्सक्राइब कर सेयर कर कमेंट कर एंड आज जो 1, 2, 3 कहली है फिजिक्स वाला सचिन सार फिजिक्स प्रदीप क्षेत्रीपाल भी देख भल लगे है तुम्हें कन्सेप्ट कैलकुलेट हो मोस्ट इम्पोर्टेंट गणेश फिजिक्स भी सब्सक्राइब कर सेयर कर कमेंट कर बुक्स गुट देखा पे बुक्स कौन मुझे तुमको एस एल आर कही देख एस एल आर पे ए बुक्सटा तुम कि बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम है मुझे बही पे प्राय फॉलो करे तुम जी लेक्चर बनाऊँ सहित कल्याणी पे देख पार कल्याणी पब्लिकेशन यहाँ बारिक दास शर्मा ओडिशार पब्लिकेशन बुक ये भी तुम देखिपर है देन गोटे मॉडर्न एबीसी गोटे बही अच्छे से तुम देखिपर है गुड़ाए बही अच्छी
बट आई विल रिकमेंड टू गोटे एस एल आर रहा गोटे कल्याणी पब्लिकेशंस है बुक्स कथा एंड आज लेक्चर आज गोटे छोट अनाउंसमेंट बट इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है मोर जड़े फ्रेंड अच्छा आम सार है राजीव सार हला ही इज वेरी क्लोज टू मी तांकर गोटे चैनल अच्छे पे मैथमेटिक्स पढ़ाती है तो मुझे तुम जब मैथमेटिक्स किसी डाउट अच्छे प्लस टू फर्स्ट ईयर रहा तो मैं राजीव सर क्लास फॉलो कर पारियो हला राजीव मैथ और राजीव दास तुमको लोगो बर्तमान तुमको विजिबल हो तो हला ए चैनल को सब्सक्राइब करिवो हला ए चैनल रे तुम्हें प्राय जितकी मैथमेटिक्स रे कांसेप्ट डाउटटा क्लियर हे पारियो हला तो समस्त सब्सक्राइब कर देबो राजीव सर को क्लास को हला आ एक्स्ट्रा कोन पढिबा आज आम एंड करवा भिड प्ले पिले एत रखा है तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ा आम एरर्स कौन एरर्स कौन गोटे मेजरमेंट आसे पिले है जिते बड़े आम लैबोरेटरी किसी कम करवा कि इंस्ट्रुमेंट यूज करवा है स्लाइड कैलिपर हो कि स्क्रू गेज होगा विषय में पढ़ा एरर्स गोटे मेजरमेंट कौन तापर में डिटेल आनालीसीस करवा तो मीट यू सून ऑन द नेक्स्ट क्लास थैंक यू।